मेरे को आज ये सुन के ताज्जुब हुआ, पंजाब में जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू भी नहीं है। अगर आपको सीरियस बीमारी हो जाए, अगर आपको बड़ी बीमारी हो जाए, तो कोई सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू तक नहीं है। 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, बस उनमें आईसीयू है, नहीं तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि प्राइवेट इलाज कितना महंगा है। प्राइवेट अस्पताल में आज आप चले जाओ, आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है, घर के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है आदमी अगर एक बड़ी बीमारी हो जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज से शुरुआत हुई है। अभी अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं, माता कौशल्या अस्पताल में आईसीयू बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5-स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो मैक्स ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में आईसीयू भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे। जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत है। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने 550 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। इन 550 करोड़ रुपए से आपके ये 40 अस्पताल तैयार किए जाएंगे। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।